welcome to RS1313 Vlogs. Guys, आज का वीडियो स्पेशली एंड स्पेशली मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ जिन्होंने मुझे DM करके मैसेज करके पूछा कि आपके बच्चों के लंबे बालों का राज क्या है. तो इस वीडियो में मैं वो सारे सीक्रेट्स रिवील करने वाली हूँ कि हम अपने बालों को कैसे मेंटेन करते हैं. और इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है जिसको आपको देखकर बहुत मजा आने वाला है. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. देखते बच्चे क्या कर रहे हैं, रमनी क्या कर रहे हैं. सो लेट्स गो. हेलो 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 सर जी, हाउ आर यू? क्या हो रहा है? कर दिया शुरू? यस. क्या प्लान है आज का? आज का प्लान हमारा है हेयर रूटीन, हेयर सीक्रेट्स. बच्चे रेडी हो गए? बच्चे देखते हैं जी, आओ देखें. ओके ऑलराइट, वेयर आर माय बच्चास? हेलो बेबीज, ये देखो जी हमारे बच्चा पार्टी तो अभी दूध ही पी रही हैं. मैंने तो शुरू भी कर दिया व्लॉग. सो सबसे पहले कौन आ रहा है मेरे पास? मैं. ओके सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड विद शनाया. कम ऑन शनाया, आ जाओ. अपनी चेयर लाओ, टॉवल लाओ, ऑयल लाओ. रमनीक प्लीज हेल्प 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 हेल्प. रमनीक आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. आई नीड दिस मैन. ओए कांगा, ये रा, आई नीड हिम. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. सो यू टेक ओवर. सो गाइस देख रहे हो यार, आज मेरे से ये काम करवाने वाले हैं. मेरे को वीडियो में ले नहीं रहे हैं, मेरे से शूट करवाने वाले हैं. बट कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं शूट कर लूंगा. अब क्या करें, ये इसको पकड़ेंगे आप? पकड़ेंगे जी. थैंक यू जी. ये मेरी हॉट सीट है, मैं यहीं बैठ के बच्चों का काम करती हूँ. मुझे जगह बहुत अच्छी लगती है. आपने हमारी ये वॉल तो देखी है. सो दिस इज माई फेवरेट प्लेस ऑफ द हाउस. शनाया प्ले आई. आओ बेटा जी, आओ जी. मम्मा मैं इधर बैठ सकता हूँ? आजा मेरी जान, सिट. थैंक यू शनाया. देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे. सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मेरी हेल्प करते हैं. एक मिनट. अब शनाया का हमें जैसे हेड वॉश करना है, सो हम क्या करते हैं कि हेड वॉश करने से पहले हम ऑयलिंग कर लेते हैं अच्छे से. तो ये मैंने फिलहाल लिया है कोकोनट ऑयल और इसके अंदर कुछ मेथरे के दाने डाल दिए हैं जो मैं ओवरनाइट एक रात पहले ही भिगो के रख देती हूँ. तो जब मुझे लगाना होता है सो आई प्रिपेयर दिस. इसको थोड़ा सा मैंने गुनगुना किया है, वार्म किया है. बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का गुनगुना करके एंड बहुत अच्छे से मैं इनके रूट्स पे लगा देती हूँ. गाइस आप इसको हाथ से लगा सकते हो, कई लोग इसको कॉटन से लगाना पसंद करते हैं, बट आई प्रेफर कि मैं हाथ से लगाऊँ. ऑलिव ऑयल के साथ आप विंटर्स में बादाम रोगन भी यूज़ कर सकते हो. बादाम रोगन भी बहुत अच्छा रहता है विंटर्स में एंड इट्स वेरी नरिशिंग टू द स्कैल्प. और फिर 5-7 मिनट के लिए हल्के हाथ से मसाज कर दें. फिलहाल हम शनाया के हेयर को स्मार्टली टाई कर देते हैं और फिर अनान्या दीदी की टर्न करते हैं. ओके अनान्या दीदी? यस. शनाया दीदी कहती है मम्मा की जैसे जूड़ा कर लूँ. ओके शनाया दीदी, ये हो गया आपका बन. ओके अभी आप जाओ. अनान्या दीदी वेयर इज योर टॉवल? हियर इज इट. चलो अब हम सेम थिंग अनान्या दीदी के लिए कर लेते हैं. सियान आप क्या कर रहे हो? बैठा हूँ. और सियान सिंह जी बहुत ध्यान से बैठ के दीदी का देख रहे हैं. सियानू यहीं बैठ जाता है मेरे पास और हम सारे मस्ती करते हैं. गाइस ये तो हो गई बात ऑयलिंग की. ऑयलिंग करके हम बालों को 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे एंड आफ्टर दैट वी वॉश विद द नॉर्मल शैम्पू जो भी आप यूज़ करते हो. अब कभी कभी व्हाट आई डू इज मैं इनके बालों पे मास्क लगा देती हूँ. मास्क लाइक दही, एलोवेरा, अंडा, इन सबको मिक्स करके एक मास्क लगा देती हूँ. रेगुलरली नहीं, लाइक वंस अ मंथ, सिर्फ स्कैल्प को नरिश करने के लिए. सो आज मैं आपके साथ वो भी शेयर करने वाली हूँ. गाइस ये मेरी होम रेमेडी है, किचन रेमेडी है. अंडा हर एक के घर में होता है, दही हर एक के घर में मिलती है और
एलोवेरा प्लांट, ये भी अमूमन सबके घर में मिलता है, तो उसका एक छोटा सा पीस लीजिए, इसको काट कर इसका पल्प निकाल लेते हैं और हल्का सा उसको बीट कर लेते हैं और इन तीनों का हम एक मिक्सचर बना लेंगे। A few moments later. Guys, हमारा ये मिक्सचर तैयार है, मिक्सचर नहीं मास्क तैयार है। इसको हम लगाएंगे इस ब्रश के साथ, इजी हो जाता है, हाथ थोड़े डर्टी नहीं होते। खड़े ये सियानू को खिला दूं, आजा। खिला दूं, आजा। हम शनाया के हेयर पे अनाने, आप उधर बैठो राजे, थोड़ा डर्टी होगा, खड़े होके देखना है। ठीक है गाइज, आप बच्चों के हेयर को थोड़ा पार्टीशन में कर ले, क्योंकि नहीं तो बाद में टैंगल्स हो जाते हैं और फिर बच्चों को बहुत परेशानी होती है, दर्द होती है बाद में। मगर उस दर्द के लिए भी हमारे पास एक बहुत अच्छा इलाज है। आई विल टेल यू, जब मैं इनकी कॉम करूँगी ना, देन आई विल टेल यू आवर सीक्रेट, जिससे हमारे बच्चों को टैंगल्स के बावजूद भी दर्द नहीं होती। स्टे ट्यून्ड, उसको जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। गाइज, अब पार्टीशन हो गए हैं और इस ब्रश की हेल्प से मैं इनको इनके रूट्स पे और हेयर पे लगाने वाली हूँ। कंसिस्टेंसी आपके हाथ में है, आप इसको गाढ़ा रखना चाहते हैं तो मिक्सी में ज़्यादा मत चलाइए, नहीं तो बहुत पतला भी हो जाता है एलोवेरा की वजह से। अगर आपके पास जेल है एलोवेरा की, आई प्रेफर कि मैं नेचुरली फ्रेश फ्रेश काटूँ, तो उससे थोड़ा सा पतला हो सकता है अगर आप मिक्सी में बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो। गाइज, इस शनाया के हेयर पर हमने लगा दिया है और इसके हेयर को अब हम थोड़ा सा, इसको लगाते ही एकदम से वो सोख रहे हैं, बन में बांधेंगे फॉर अराउंड हाफ एन आवर और उसके बाद हम हेयर वॉश कर लेंगे शैम्पू से। okay, okay, जी दीदी सर उठो। बहुत इजीली लग जाता है, इसमें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं है और बच्चों को भी ज़्यादा ट्रबल नहीं होता है। नहीं तो बच्चों पे कुछ लगाना, ओ माई गॉड, आई एम श्योर सारी मदर्स मुझसे अग्री करेंगी कि बच्चों को अग्री करवाना कि बेटा आपके सिर पे ये लगाना है, नॉट एन ईजी जॉब। इसको हम आप टर्न कर देते हैं इनटू अ बन, इसको छोड़ देते हैं हाफ एन आवर के लिए, तब तक बच्चे अपना काम कर लेंगे, प्ले कर लेंगे। एंड आपने देखा गाइस, ये ड्रिप नहीं कर रहा है, बच्चों को कोई ट्रबल नहीं हो रही है, अपना अपना खेल लेंगे, बस ठंडा ठंडा है, ठंडा ठंडा थोड़ा सा लगेगा। तो दही को आप पहले ही बाहर निकाल के रख देना और एलोवेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और एग इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। जब दही का रहता है तो दही को आप पहले बाहर निकाल के रख सकते हो। अच्छा, अब हाफ एन आवर के बाद आई विल बी बैक इनके हेयर वॉश करके, सी यू देयर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। A few moments later. Guys, we are back after the hair wash. Look at the texture of the hair. It is so soft. Scalp itni nourish lag rahi hai. Oh my god. These are so soft. Itna acha lag raha hai inko touch karne mein. And the best part, ab main aapko bataun. Tangles hain thodi bahut. The next secret is this detangler. Ye comb hum use karte hain, detangler. लुक एट द ब्रिसल्स, ये इतने सॉफ्ट हैं और हम जब बच्चों को कॉम करते हैं बच्चों को पेन भी नहीं होती और जो थोड़े बहुत टैंगल्स होते हैं वो आराम से निकल जाते हैं और विद द मिनिमम हेयर लॉस। एंड 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 अब है टाइम सरप्राइज का और वो सरप्राइज है रमनीक। रमनीक आ जाओ, इट इज़ योर टर्न। I will take the camera now and the surprise begins. Okay, Shanaya, आजाओ। Guys, Shanaya का कभी कभी बहुत मन करता है मेरे से comb करवाने का, तो इसको पता नहीं क्या है, कहती है कि पापा मेरी comb करेंगे। तो guys, मेरे को
पूरी तरह तो नहीं आती, मैं थोड़ी थोड़ी कर लेता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं गुत, पंजाबी में पता नहीं हिंदी में कौन सी भाषा में, जिस सब में गुत्ती बोलते होंगे। नहीं तो, नहीं छोटी गुत पंजाबी में, छोटी गुत जो भी एक है। तो गाइज मैं ट्राई करने लगा हूँ शनाया की गुत। आपने कमेंट करके बताना है कि यार मैंने अच्छी करी, गंदी करी या एवरेज करी, तो यार आपने कमेंट जरूर करना है। शनाया आपको कैसे लग रहा है, पापा आपकी कोंग कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत ही लंबे बाल है इसके यार, इतना इजी नहीं रहता है। अरे ये बस अनन्या दीदी के छोटे हैं, पता है पार्टीशंस भी कैसे किए जाते हैं। शाबाश, नॉट बैड अरनी, वाह भाई वाह। गाइस लेट्स टेक अ क्लोजर लुक, क्या बात है, नीट एंड क्लीन। गाइज आपने कमेंट करके बताना है यार मेरी ये जो मैंने गुत करी है या चोटी करी है, ये ठीक करी है, गलत करी है, अच्छी करी है। और हाँ, आपके घर में भी क्या आपके पापा ऐसे आपकी गुत कर सकते हैं, कभी उन्होंने गुत करी है, या आपकी मम्मा ही करती हैं सिर्फ? और अगर पापा देख रहे हैं तो आपने कमेंट करना है कि हाँ मैं करता हूँ। और अगर मम्माज देख रही हैं तो मम्मा बोलेंगी कि यार उनके हस्बैंड करते हैं कि नहीं करते हैं। और हाँ, अगर बच्चे देख रहे हैं तो वो लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे यार उनके पापा ने कभी उनकी ऐसे गुद करी है क्या, और गुद करने के बाद शनायक को किसी करी है क्या। दिखाओ 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 जी, गुद दिखाओ। ब्यूटीफुल, आई लव इट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, हमें बहुत मजा आया। और उम्मीद करते हैं कि शायद इस वीडियो से आपके भी और आपके बच्चों के भी और आपके हस्बैंड के भी, फादर्स के भी, सबके बालों को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो यार। पता नहीं किसका होगा नहीं होगा, लेकिन यार बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स है हमारे बच्चों के आजमाए हुए। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको हमारे घर के छोटे छोटे नुस्खे अच्छे लगे होंगे। आप जरूर ट्राई कीजिए एंड I hope you like it. Guys, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज सब्सक्राइब कर दो यार, हमारा ये नया चैनल है, हमें आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। बाय।